نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رمضان المبارك کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے आज 27वां दिन है और हमारे और आपके हिसाब से तो मंगल को ईद होनी चाहिए जैसे हमारे पठान और बलोचों का तजर्बा और हिसाब होता है और पिछला महीना वो 29 का गुज़रा है तो शायद हमारे तजर्बे के लिहाज से ये 30 का महीना हो और मंगल को ईद हो लेकिन हुकूमत की कोशिश ये होगी कि पीर को ईद हो और ज़ाहिर है कि मेरी और आपकी कोशिशें और मेरी और आपकी अल्लाह का मेरा और आपका तजर्बा हुकूमत के तजर्बे के मुकाबले में नाकाम है वही होगा जो मंजूर खुदा होगा जो यानी हुकूमत जो चाहेगी वही होगा और ख़ास तौर पर ये जो आखिरी चांद है ये इनको मगरिब से अगर न मिले तो लांडी से भी निकाल देंगे मशरक से भी निकालेंगे शिमाल से जुनूब से हैदराबाद से नवाबशाह से कहीं ना कहीं से ये ईद वाला चाँद है इसको निकाल देंगे रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र गया हर बंदा अपने आमाल का अंदाज़ हर इंसान को है हर एक अपना मुहासबा खुद कर ले मुराकबा खुद कर ले कि मैं जो रमज़ान की तकाज़े हैं और रमज़ान की जो अज़मतें हैं उनके मुताबिक मैंने रोज़ों का अहतमाम कहाँ तक किया तरावियों का अहतमाम कहाँ तक किया और दीगर नमाज ज़िक्र अज़कार और इसी तरीके पर यह है कि तिलावतें उसका अहतमाम मैं कहाँ तक कर पाया हर बंदे को अपने अमल का अंदाज़ होता है एक इंसानी तौफीक के मुताबिक अगर आपको पता भी है आप मुतमईन भी है कि जो कुछ मुझसे बन पाया मैंने कर लिया खुदा का शुक्र भी अदा करें और साथ साथ कमी कोताहियाँ जो हो गई है उस पर इस्तिग़फ़ार भी कर लें अल्लाह की तरफ रुजू कर लें ख़ास तौर पर यह आखिरी दिन मेरे नबी ने फरमाया कि लैलतुल जाइज़ा है यानी यह इनाम के दिन है आखिरी जो दिन होते हैं ये इनाम के दिन 27वीं तारीख भी गुजर गई अब 28वीं आ रही है उसके बाद 29 ये भी ताक रातों में से हैं और ईद की जो रात है ख़ास तौर पर वो भी लैलतुल जाइज़ा उसको कहा जाता है ईद की रात में अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे दे यानी 30वीं शब अगर यह है कि चाँद का ऐलान नहीं होता तो आखिरी तरावी को भी उसमें चाँद का ऐलान अगर हो भी जाता है शवाल की पहली चांद और ईद उल फितर के तब भी उस रात में जहाँ तक हो सके अल्लाह तौफीक दे दे नमाज इशा के बाद घंटे या दो घंटे या तीन घंटा कोई जितना भी बैठ सकता है वो इसका अहतमाम कर ले ये लैलतुल जाइज़ा है कि इसमें इनाम के फैसले हो जाते हैं मेरे नबी ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा काना लैलतुल क़द्र नज़ल जिब्रील फी कबकबति मिनल मलाइकति जब शब क़द्र और लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र की जो रात होती है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ी कबकबति मिनल मलाइकति फ़रिश्तों की एक अजीम जमात के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम वो नाजिल होते हैं और दुनिया की तरफ तशरीफ़ लाते हैं और फरमाया कि युसल्लून अला कुल्ली क़ाइदिन व क़ाइमिन जो आदमी नमाजों में नफलों में खड़ा है तरावियों में खड़ा है उसके लिए भी दुआ करते और इस्तिग़फ़ार करते फ़रिश्ते और जो बैठा हुआ ज़िक्र व अज़कार कर रहा है पहलू पे लेटा हुआ ले अपने खालिक को याद कर रहा है उसके लिए फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं फरमाया कि फ़ैदा का नौम ईदहिम जब ईद का उनका दिन होता है यौम फ़ितरहिम यानि शवाल का पहला चांद जब नज़र आता है ईदुल फितर का तो फ़ैदा का नौम ईदहिम
यानि योम फितरहिम बाहा बिहिम मलाइकतहु, अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने फ़ख्र का इजहार फरमाते हैं। आप हजरात को मालूम भी है, जब हमारी तख्लीक हुई थी आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं आदम को पैदा कर दूँ, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्ते हज़ारों साल पहले पैदा थे, जिन्नात भी हज़ारों साल पहले पैदा थे, और जिन्नात वो ज़्यादातर ज़मीन में बसते हैं और फरिश्तों की ज़्यादातर आबादी वो आसमानों में है, और फरिश्तों की एक जमात भी है जो ज़मीन में भी वो रहते हैं और मसाइल को और बहुत सी चीज़ों को संभालते हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। बाकी ये है कि फरिश्तों की एक जमात ज़्यादातर ये है कि आसमान में। चुनांचे कुरान में आता है वअंज़लना अलैकुम सबअ तराइक़, सात आसमान बनाए, सात रास्ते हैं, आसमानों में रूट बने हुए हैं, हमारे जहाज़ों के जो आसमानों के नीचे रूट बने हुए हैं, लेकिन आसमान में हदीस में आता है कि मुख्तलिफ किस्म के रूट और मुख्तलिफ इलाके आसमानों में, वो अल्लाह पाक ने फरिश्तों के लिए बनाया। फरिश्तों की ज़्यादातर आबादी वो आसमानों में है और ज़्यादातर वहीं पर वो ये है कि आसमान में है। बाकी जिन्नात वो हमसे हज़ारों साल पहले थे, लेकिन जिन्नात चूँकि आग से पैदा है तो इतने बदमाश कि उनमें शर व फसाद और ये लड़ाई झगड़े और ये तखरीबकारी इनमें खूब है। चुनांचे अहादीस को अगर आप देखेंगे तो अगर शरीफ जिन होगा तो वो भी ये कि उसकी शराफत भी वो भी काबिल एतमाद नहीं है, यानी जो जिन्नात जो बज़ाहिर मुसलमान सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे अल्लाह ने बनाया था, लेकिन उनकी मिजाज के अंदर भी बिगाड़ ही बिगाड़, फसाद ही फसाद। और फिर वो जिन्नात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका वास्ता पड़ा, उन्होंने भी बाज़ जिन्नात ने, हाँ अच्छे लोग भी थे, जैसे कि वादी जिन के अंदर छः सात मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, हज़रत अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और फिर हज़रत इब्ने मसूद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ले गए। इब्ने मसूद से फरमाया कि भाई लकीर खींची, आप यहीं पर ठहरो और इससे आगे जाना नहीं। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात जमा हो गए। इब्ने मसूद फरमाते कि मेरे लिए चूंकि लकीर खींची थी नबी ने तो इस वजह से मैं आगे बढ़ा नहीं। ये तिर्मिज़ी की हदीस आपको सुना रहा हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जमा किया, हज़रत के पास आ गए, हज़रत ने उनको वाज़ो नसीहत की, उन्होंने बहुत से सवालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी है, वो बराह रास्त तो इंसानों में मबूस हुआ है, आखिरी नबी है, बल्कि अनबिया के भी नबी है, अनबिया के भी रईस हैं, और इंसानियत के लिए तो आखिरी क़यामत तक आखिरी नबी आप हैं, लेकिन जिन्नात के लिए भी आप नबी हैं। और किताबुल्लाह के पाबंद हम लोग सिर्फ नहीं है इंसान, बल्कि किताबुल्लाह के पाबंद जिन्नात भी है, जिन्नात भी इसी के पाबंद है। तो इस वजह से उनको भी इसका इल्म था, और एक बड़ी तादाद लाखों की तादाद में वो मुसलमान भी हो गए, और अब भी है, और अब भी है। जैसे कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के फ़िरके हैं, अल्लाह आपका भला करे, हम लोगों में सुन्नी भी है, हम लोगों में राफिजी भी है, हम लोगों में हिंदू भी है, इंसानों में हिंदू भी है और सिख भी है, उनमें ये कुछ है, ये सारे सब कुछ उनमें भी है। सूरह जिन है जो 29वां पारा है, वह अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून, हम में मुसलमान भी है और हम में जालिम और जाबिर भी है, ये मखलूक़ात उनमें है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने कितनी बदमाशियाँ किए, बड़े बड़े बाद शयातीन जिन्नात, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ा है, बुखारी शरीफ में रिवायत में उसका तज़किरा है। लेकिन जब जिन्नात की शैतनत को, उनकी सरकशी को और उनकी बदमाशियों को फरिश्तों ने देखा पहले से था, तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में हक तआला शानहु ने फरिश्तों से इस्तफसार फरमाया कि आपकी राय क्या है कि मैं इस ज़मीन के अंदर एक खलीफा पैदा कर रहा हूँ। इन्नी जाहिलुम फिल अर्द खलीफा, ये पहले पारे के, इसमें अल्लाह का भला करिए कि तीसरा चौथा रुकू है, इन्नी जाहिलुम फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा तैयार कर रहा हूँ, ये मेरा असल खलीफा, मेरा कायम मकाम यही होगा आदम अलैहिस्सलाम। चुनांचे खलीफा का माना ये होता है अल्लाह का कायम मकाम, अल्लाह का कायम मकाम, अल्लाह के अहकाम को नाफिज करेंगे, अल्लाह के अहकाम को उनका इल्म हासिल करके, उनकी मारिफत हासिल करने के बाद फिर उनको नाफिज करेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह है और सारे अनबिया खलीफतुल्लाह है। और अब अनबिया चले गए, अनबिया चले गए, अनबिया के जाने के बाद खलीफा उलमा है, नबी के जाने के बाद खलीफा उलमा है, लेकिन उलमा की बदबख्ती है अल्लाह ने महरूम कर दिया उलमा को, बस ये यानी शाहीन जो जानता भी नहीं है कि मैं शाहीन हूँ, वो अपने आप को कव्वा समझता है, तो खुदा उसको कव्वा बना दे,
शेर को अपना पता नहीं है कि मैं शेर हूँ, वो अपने आप को लोमड़ी वाली ज़िंदगी को वो अच्छा समझता है। खुदा उसको लोमड़ी बनाए, उसको अल्लाह गीदड़ बनाए, लेकिन असल खलीफा अल्लाह का वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अनबिया है। यखलुफुल्लाह फिल अर्ज़ फी तन्फीज़ अहकाम शरईयत, अहकाम शरईयत को नाफिज़ करेंगे। फ़रिश्तों के सामने जब ये बात रखी तो फ़रिश्तों ने ये कहा कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, हम आपकी तस्बीह करते हैं और सुबहानअल्लाह पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आपकी सारी इबादतें हम करते हैं, आप इस इंसान को क्यों पैदा करेंगे इस ज़मीन के अंदर? और ज़मीन में हमने पहले जिन्नात को देखा है, जिन्नात वो इस किस्म के बदमाश हैं, उनकी बदमाशी देख करके अब आपकी इस पाक सरजमीन पर इंसानों को पैदा करेंगे, उनमें जालिम भी होंगे, जाबिर भी होंगे और हर किस्म के यह कि तखरीबकार भी होंगे, नेकोकार भी होंगे। खैर, उनको इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फ़रिश्तों ने यह समझा कि ये सारे के सारे बदमाशी होंगे, जैसे कि जिन्नात के अंदर असल बदमाशी है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो कुछ जानता हूँ तुम नहीं जानते। इनमें बुरे भी होंगे, बेकार भी होंगे, तखरीबकार भी होंगे, जालिम कातिल चोर डाकू भी होंगे, लेकिन फरमाया कि इनके अंदर अनबिया भी होंगे, सुलहा भी होंगे और इनमें मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, गौस और अब्दाल और कुतुब, वो अब भी आपके सामने है। मैं तो साथियों को कहता हूँ हमारे मदरसे में अगर आप आ जाएंगे ना, तो होता है मुल्कों के जासूस इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियाँ होती है, हम उनको पढ़ाते हैं और बाज़ के माशाल्लाह चेहरों पर वो सजदे के निशानात भी होते हैं। ये दारुलूम में भी है, ये बिनोरी टाउन में भी है, ये जामे फारूकी में भी है और ये यहाँ भी है, ये रावेंड में भी है। जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बड़े बाज तहज्जुद गुजार परले दर्जे के बेगैरत जासूस होते हैं। इनमें बड़ी तादाद बखुदा, चूँकि आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, मुझे मालूम है कि हम तो हज़ारों उलमा मैंने अभी तक पढ़ा है, हज़ारों, बल्कि आप कहें अब लाखों तक उनकी तादाद पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो हमने पढ़ा है, ऐसे तलबा भी है, चोर भी उनमें होते हैं। ज़ाहिर है कि 2000 जब यहाँ 1800 से ज़ायद पिछले साल थे, अब वो साल ब साल ये साल सिलसिले बढ़ता रहता है। इनमें किसी के पेशानी पे लिखा हुआ नहीं होता, किसी के पेशानी पे लिखा हुआ नहीं होता कि ये नेक है या ये बद है। तो होते हैं अच्छे तलबा भी है, उनमें चोर भी होते, डाकू भी होते, जासूस भी होते, यही कॉलेज में, यही यूनिवर्सिटी में, यही रावण में, यही फौजी इदारों में, यही पुलिस के इदारों में, यही आर्मी के इदारों में हमारी तनख्वाह भी लेते हैं और इंडिया से भी लेते हैं। और मैंने अर्ज किया कि बाज तो ऐसे हैं कि उनके चेहरे आप देखेंगे वाह वाह। यही हाल है दारुलूम में, बिनूटम में, यहाँ भी, यानी अच्छे अच्छे वो नबी की जमात में भी इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते। तो हर तबके के अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ कि आपको मालूम नहीं है, और इनमें अनबिया भी होंगे, सुलहा भी होंगे, गौस होंगे, अब्दाल भी होंगे, कुतुब भी होंगे। लेकिन फरिश्तों को इत्मीनान हुआ या नहीं हुआ, रमज़ान रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रोज़े रमज़ान के महीने में फरिश्ते अपने उस वो जो खदशा था उनको कि ये तखरीबकार होंगे, ये सारे के सारे डाकू होंगे, ये सारे के सारे, उसी को कहते हैं तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। इस शबे कदर में, रमज़ान के आखिरी ये कि आखिरी अय्याम में, आखिरी अशरे के अंदर, ताक रातों के अंदर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु, सारे फरिश्ते, फरिश्तों की एक बड़ी जमात और वर्रूह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सारे उतरते हैं। अब जिब्रील जब आएगा, जिब्रील जब आएगा और जिब्रील देखेगा कि होंठ किसी के खुश्क हो गए, जिब्रील की जमात भी देख रही है कि मैदा उसका खाली हो चुका है, जिब्रील को भी पता है, फरिश्तों को भी पता है, सहरी से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक ये हल्क इनका खुश्क हो चुका होता है, ज़बानें इनकी खुश्क हो चुकी होती है, लेकिन सलाम 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 हो उन काश्तकारों को और सलाम हो, और अल्लाह आपका भला करे, मुबारक हो उन मज़दूरों को, मज़दूर तबका को जो डंपरों के अंदर और गाड़ियों के अंदर, अल्लाह आपका भला करे, वो भेलचे से रेती भर देते हैं, क्या कहना उनका, क्या कहना उनकी। बाज़ लोगों की शक्लों को देख करके अगर आप रोज़े की हालत में देखेंगे, आपका कलेजा भी बाहर आएगा। मैं और आप, हम तो एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, हम तो पंखों के नीचे रहने वाले लोग हैं,
पंखों के नीचे रहने वाले लोग हैं, एक बहुत बड़ा तबका, ये पंखों के नीचे रहने वाले, ये सायों में रहने वाले, ये एयर कंडीशन में रहने वाले, ये राहत पसंद, और जिनके लिए ये अल्लाह आपका भला करिए कि सहूलतें जिनको मुयसर हो, ये तो बहुत कम है, ये बहुत है। आपके मुल्क के अंदर एक बड़ा तबका, सबसे बड़ा तबका गरीबों का तबका है। मालदार क्या है? मालदार या दरमियाने हाल के लोग कम हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा है। उन गरीबों की अगर उन जफाकशियों का और रोज़े के दौरान उनकी प्यास का, रोज़े के दौरान उनकी भूख का, रोज़े के दौरान निढाल हो जाता है, इंसान इंसान है। तो अब ये फरिश्ते मौली मंजूर जैसा इंसान, जब इसको भी इसका अंदाज़ा है, आपको भी इसका अंदाज़ा है, तो जिब्रील को क्यों अंदाज़ा नहीं होगा? और हजरत यह के रिजवान और दीगर फरिश्तों को इसका अंदाज़ा क्यों नहीं होगा? इसलिए फरमाते कि फरिश्ते इन दिनों में, आखिरी दिनों में आते हैं। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते भी आते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आता है, ये सारे के सारे। फरमाते तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फिया बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। मिन कुल्ली अम्रिन, हर अम्र खैर, खैर के फैसले आसमान से लेकर के आते हैं, भलाई के फैसले लेकर के आते हैं। फिर हदीस में ये आता है कि जब फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते देखते हैं कि इधर लोग खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, तरावियाँ पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, जिक्र अजकार कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि कैसे पाया मेरे बंदों को। अल्लाह को सब कुछ इल्म है, लेकिन सिर्फ इतमाम हुज्जत के लिए, ताकि ये खुद अपनी ज़बान से एतराफ़ कर लें कि परवरदिगार ये तो कमाल के लोग हैं, जिन पर हमने एतराज़ किया था कि यस्फिकुद्दिमा, कि ये खून रेजी करेंगे, ये ज़मीन के अंदर फसाद फैलाएंगे, और हम नेकोकार हैं, लेकिन आज इनकी हालत देख लो। फरिश्ते को प्यास नहीं लगती, फरिश्ते को भूख नहीं लगती, फरिश्ते के पास चूंकि ये लवाजिमात है नहीं है। कमाल उनका है जो भूख के सामने भी निढाल, भूख भी उसके लिए एक बड़ी आजमाइश, प्यास उसके लिए आजमाइश, नफ्स अम्मारा उसके साथ लगा हुआ है, और नफ्स कहता है कि खा पी मज़े कर, लेकिन उन तमाम चीज़ों को तर्क करके अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कमाल इसी का है। हज़रत उमर ने एक अजीब, उसने बेदार दिमागी का काम किया, और अजीब यानी ये लोग कितने ज़हीन लोग हैं। हज़रत उमर ने फरमाया हज़रत अली से, अल्लाहु अकबर, फरमाया कि जो फरिश्ते आते हैं और वो रमज़ान के महीनों में जिब्रील भी आता है, दीगर फरिश्ते आते हैं, और वो रिपोर्ट ये पेश करते कि परवरदिगार लोग तरावियाँ पढ़ते थे, तिलावत करते थे, जिक्र अजकार करते थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अब हमें तरावी का इस तरह इहतमाम करना चाहिए जमात के साथ, जमात के साथ, कि हमारी रात का अक्सर हिस्सा तरावी में चला जाए, है ताकि फरिश्ते अगर एक ग्रुप आ जाए, दूसरे ग्रुप आ जाए, तीसरा ग्रुप आ जाए, वो देख ले कि ये रातों को सोते भी नहीं है, दिन को मेहनत मजदूरी भी लगे हुई है, रातों को सोते नहीं है। ये सिलसिला सबसे पहले बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से कि सहाबा को जमात के साथ पूरे रमज़ान में खड़ा करना 20 रकात, ये सहाबा का इस पर इजमा हुआ, सहाबा का बाकायदा इस पर, जिसमें हज़रत अली भी है, हज़रत उस्मान भी है, हज़रत उमर भी है, दीगर सहाबा ने भी कहे कि बाकायदा उन्होंने कहा कि हम जमात के साथ, पहले इस तरह भी होता था कि 5 बंदे उधर जमात कर रहे, 10 बंदे उधर जमात कर रहे, इस तरह किसी की जमात पहले ख़त्म हो रही, किसी की बाद में ख़त्म हो रही। फरमाया हमारे जमातें बड़ी हो, हादर के साथ, तरतील के साथ, ठहर ठहर करके कारी साहब हमारा कुरान पढ़े, वो उबै इब्ने काब थे, उबै इब्ने काब ठहर ठहर करके पढ़े, ताकि फरिश्ते आ जाएँ और देख लें, फरिश्ते आकर के देख लें कि ये लोग किस तरह कबर है कि अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, आदमी आधा घंटा भी खड़ा नहीं होता। अब तो माशाल्लाह मेरे लिए और आपके लिए सहूलत, बड़ी सहूलत हो गई, सहूलत ये हो गई कि आप ये देखें ना कि बिलाद अरब के अंदर भी कोरोना ने आकर के तरावी 10 रकातें पिछले साल भी खा गई, और इस दफ़ा भी हरम शरीफ के अंदर, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में 20 रकात तरावी ख़त्म कोरोना ने, और ऐसा बेगैरत कोरोना, और इसको ऐसा नाफिज करने वाला ऐसा बदबख्त कि ये कोरोना 10 रकात पर नहीं लगती है, 20 रकात पढ़ेंगे तो लगेगी। ये इतने बेगैरत लोग हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, हमारे भी हुक्मरान पाकिस्तान के, खुदा की कसम अकल से फारिग, अकल से फारिग। और कर लिया क्या,
कि हरमैन के अंदर है। आज आपको पता है कि पूरी उम्मत रो रही है, आज पूरी उम्मत रो रही है, लेकिन कर क्या सकते हैं, कर क्या कर सकते हैं। उम्मत आज रो रही है कि हरमैन में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक 1500 साल में कभी भी 8 रकात तरावी 10 रकात तरावी नहीं हुई, हमेशा 20 रकातें हुई। ये कोरोना नहीं है, ये अपने ख्वाहिश परस्ती है। ये कोरोना नहीं है, ये अपनी अय्याशियाँ हैं। ये कोरोना नहीं है, ये अपनी दीन दुश्मनी है। ये कोरोना नहीं है, ये अल्लाह की बगावत है। ये सिर्फ कोरोना को बहाना छतरी बना करके ये कर रहे हैं। वो कौन सा कोरोना है कि 10 रकात पे तो नहीं लगता, 20 रकात पे लग जाता है। 20 रकात पढ़ेंगे तो लगेगा, कोरोना लगेगा। और हमारे यहाँ तो जैसे क्या देखा आपने कि जुम्मे को ऐलान होता था, जुम्मे को ऐलान कि 11 बजे से लेकर के 11 बजे से 2 बजे तक सख्त वो है, अल्लाह आपका भला करिए कि कर्फ्यू है कराची में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 2-2.5 बजे तक, जो कि जुम्मा का वक्त है। इस टाइम पे कोरोना आता है, 2:30-3 बजे के बाद कोरोना आता नहीं है। और कोरोना मस्जिद में आता है और वो फौजी इदारों में जाता भी नहीं, उनके पास बंदूक है क्यों जाए वहाँ। कोरोना मस्जिद में आएगा और कोरोना कुरान पाक पर लगा हुआ है, इसलिए जो कदीमी नुस्खे जितने रखे हुए उनको उठा करके मस्जिद नबवी से मस्जिद हराम से बाहर कर दिया और स्प्रे कर दिया कि इससे कोरोना लगेगा। हमें यह सोचना चाहिए, मैं बाहर का तो मुझे इसका इलम नहीं है, मेरे इस मदरसे में अब तो 21 रमजान को छुट्टी हो गई, लेकिन अब आप ये कि 10-15 शव्वाल को आप आ जाएं, 2000 बंदे गुत्थम गुत्था बैठ जाते हैं क्लासों में, किसी क्लास में 100 है, किसी में 150, किसी में 400-500 लड़के हैं, गुत्तम गुत्ता, और एक थाल के अंदर 10 आदमी खाना खा रहे दबा दबा करके। कसम खुदा की एक को भी कोरोना नहीं लगा, तुम्हारे जैसे बेगैरत कोई दुनिया में नहीं है। तुम्हें तो इबरत हासिल करनी चाहिए। और जिन्होंने फिर हमारे मौलवियों ने जिन्होंने मास्क शुरू कर दिया, अरे भाई मस्जिद में न जाइए, एहतियात कीजिए, घरों में नमाज पढ़िए, घरों में जुम्मे शुरू हो गए, घरों में जुम्मा शुरू हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून। हजरत उमर ने क्या किया, हजरत उमर ने फरमाया कि हम अपनी मस्जिद को 24 घंटा ख़ास तौर पर इन दिनों में मस्जिद नबवी को दीगर मस्जिदों को आबाद रखेंगे, जिक्र अजकार से, तिलावत से, तरावियों से। फरिश्तों का कोई भी ग्रुप आएगा, छापा मारेगा, रिपोर्ट यही पेश करेगा कि मोहम्मद के ग़ुलाम खड़े हैं नमाज पढ़। हज़रत अली फरमाते कि अल्लाह उमर को गरी के रहमत कर दे, हज़रत अली फरमाते कि अल्लाह उमर को गरी के रहमत कर दे, कि उमर ने क्या जहन था इसका, क्या जहन था। इस वक्त आप भी रोएं मैं भी रोऊं, अल्लाह की तरफ ये कि हमें तवज्जो करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, हरम पे कुर्बान जाए, हरमैन पे, मस्जिद नबवी पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाएँ, उसके एक खाक पा पे कुर्बान जाएँ, मेरी पूरी जमात उम्मत मुस्लिमा मोहम्मद की जूतियों पर कुर्बान जाएँ। लेकिन एक आदमी, एहसास वाला आदमी, एहसास वाला आदमी कैसे जा सकता है जहाँ पर सिर्फ 10 तरावियाँ 8 तरावियाँ, यहाँ ख़त्म कुरान इस्तफा नहीं हुआ, ख़त्म कुरान इस्तफा मस्जिद हराम में भी नहीं हुआ, मस्जिद नबवी में भी ख़त्म कुरान नहीं हुआ। ये नए नए मौलवी हैं जी, ये नए नए ख्वाहिश परस्त अय्याश और एयर कंडीशन में रहने वाला आदमी, सुबहान अल्लाह। इसलिए हज़रत अली फरमाते कि अल्लाह उमर को गरी के रहमत कर दे, कि उमर ने कैसे किस तरीक़े पर यह कि अब अगर आप तरावी में मशगूल रहे हैं, जिक्र अजकार में मशगूल रहे हैं और दीनी किताबों में मशगूल रहे हैं, दीनी बातों में मसरूफ़ रहे हैं, मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। लेकिन आपसे और अगर मुझसे कोई कोताही हो गई है तो उस कोताही पर साथी 3 दिन बाकी रह जाते हैं, 2 दिन बाकी रह जाते हैं, 3 दिन के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। और ये मौली मंजूर नहीं है, ये वो अल्लाह की ज़ात है, गफूर रहीम है, गफ्फार और जब्बार वो ज़ात है। आप ऐन मुमकिन है कि रमज़ान के 27 दिनों के अंदर मैं दिल की गहराई से अपने खालिक को याद न कर सका, और आज ये है कि मैं दिल मेरा पारा पारा हो गया, चूरा चूरा हो जाए, आज मुझे नदाबत अगर लायक हो रही है, ऐन मुमकिन है कि पाक परवरदिगार 28 पे, 29 पे,
30 पे किसी भी घड़ी में मेरे मग़फ़िरत के फैसले कर दे, उसके हम कोई कमी नहीं है। इसलिए साथी इन दोनों के अंदर ख़ास तौर पर यह कि मुतवज्जह हो जाएं। फरमाया कि तनज़्ज़ल अल मलाइकत व रूह, मेरे नबी ने फरमाया इज़ा कानत लैलतुल क़द्र नज़ल जिब्रील फी कबकबति मिनल मलाइकत, फरिश्तों की एक बड़ी जमात के साथ जिब्रील ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। फरमाया कि युसल्लून अला कुल्ल क़ाइदिन व क़ाइमिन, जो खड़ा है उसको भी सलाम पेश करते हैं और उसके लिए भी दुआ करते हैं, और जो बैठा हुआ जिक्र व अज़कार कर रहा है उसके लिए भी दुआ करते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं या मलाइकती मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहू, ऐ फरिश्तों बताओ उस मजदूर की मजदूरी क्या होनी चाहिए जिसने अपनी सारी मजदूरी पूरी कर दी। जो ड्यूटी उसकी जिम्मे पर लगी थी ड्यूटी उन्होंने पूरी कर दी। अब वो फरिश्ते आ रहे माजरत करने के लिए भी आ रहे, वो देख भी रहे, वो समझ भी रहे कि आज से लाखों साल पहले, लाखों साल पहले जिस इंसान पर हमने एतराज़ किया था ये खून बहाएगा, ये चोरी करेगा, ये डकैती का मुर्तकिब होगा, है भी। लेकिन उनमें कुछ बाहर रमज़ान में भी हमारे मंगल लोग और हमारे जहरी लोग बलोचों के, अभी इस रमज़ान में बहुत से कत्ल दबा दब बलोच लोग, और आपके पठान भी पीछे नहीं है, पठान भी पीछे नहीं है, सिंधी माणू भी पीछे नहीं है। और अब ईद के मौके पर चूंकि रोज़गार नहीं है, बीवी की शॉपिंग के लिए ज़रूरी है, लिहाजा रास्तों पर अल्लाह का भला करे बंदूक लेकर के खड़े हैं, और किसी अल्लाह का भला करिए कि किसी नमाजी को रोक रहे हैं उसको भी लूट रहे हैं, बूढ़े को लूट रहे हैं, जवान को लूट रहे हैं, नौजवान को लूट रहे हैं, औरतों को भी लूट रहे हैं, सबको लूट रहे। अल्लाह को रमज़ान का, रमज़ान की भी किसी को शर्म ना आ जाए, रमज़ान की भी किसी को हया ना आ जाए। इसलिए दूसरी रिवायत में हदीस में आता है कि इन दिनों में जो भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत के फैसले फरमाते हैं। फरिश्तों से फरमाते हैं कि मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहू, उस मज़दूर को क्या मजदूरी मिलनी चाहिए जिसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, ड्यूटी में कोताही नहीं की। क़ालू रब्बना जज़ाउ अन युवफ़ा अजरहू, परवरदिगार इसकी मजदूरी यह है कि पूरी पूरी मजदूरी उसको दी जाए, जितनी ड्यूटी की है कमा को उसको पूरे के पूरे मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये फरिश्तों का फैसला है, फरिश्तों को तो सिर्फ इतना इल्म है कि सुबह से लेकर के मौली मंजूर ने सुबह सहरी से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक रोजा रखा, और पठान जो डंपर भर रहा है उसने भी रोजा रखा। फरिश्तों के लिए दोनों बराबर है। फरिश्तों ये कहेंगे कि जो बकरियां चरा रहा उसने भी रोज़ा रखा, मौली मंजूर ने भी रोज़ा रखा, जो पहाड़ों में घाटियों में शदीद गर्मियों में बकरियां चरा रहा है उसने भी रोज़ा रखा। फरिश्तों शायद रोज़े का सवाब सबके लिए बराबर लिख लें। अल्लाह फरमाते कि हट जाओ, मौली मंजूर छाँव में रह रहा है, साये में रह रहा है, मौली मंजूर ने रोज़ा रखा, फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से साकित हो गया, फरीज़ा उसने पूरा कर लिया, सवाब मिलेगा, तबलीगी को मिलेगा, मौलवी को मिलेगा, लेकिन मुझे जिस इस मजदूर से जो प्यार है वो इनसे नहीं। कमाल है उस मजदूर का, कमाल है उस मजदूर का। इसलिए जो ठंडे मुल्कों में जो रोज़े रख रहे हैं शायद उनका रोज़ा, और जो गर्म मुल्कों में रोज़ा रख रहे हैं उनका रोज़ा, और जिन मुल्कों के अंदर दिन छोटे हैं उनका रोज़ा, और जिन मुल्कों के अंदर दिन बड़े हैं 18 घंटे के दिन, 20 घंटे का दिन होता है कई मुल्कों के अंदर, हमारे अपने शागिर्द से राबितों का होता है सिर्फ 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ रात होती है। तो यहां लंबे लंबे दिन होते हैं आपके, खुद इस पाकिस्तान में, खुद भी आपके इस पाकिस्तान के अंदर सरहद के दिन कुछ आपसे ज्यादा लंबे हैं। जी हाँ, होता है कुछ, और आप मालूम करके देख लो। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मलाइकती अबीदी व इमाई कज़ो फरीज़तियाँ अलैहिम सुम खरजू या उज्जून इलद्दुआ, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ लोंडियाँ, जो फ़र्ज़ मैंने उन पर आयद किया था रोज़े का तरावियों का, इन फ़राइज़ को इन्होंने पूरा कर दिया, अब ईद के दिन ईदगाह की तरफ निकल करके गिरिया जारी करके दुआ मांग रहे हैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत। फरिश्तों तुम लोग गवाह बनाओ, व इज़्ज़ती व जलाली व करमी व उलुवी व इर्तिफाई मकानी लउजीबन्नहुम, फरिश्तों मुझे अपनी इज्जत की कसम, अपनी जलाल की कसम, अपने करम की कसम, सुबहान अल्लाह, अपने रुतबे की कसम और अपने सुबहानियत की कसम, ए फरिश्तों आप गवाह बन जाओ
फरिश्तों कद गफर तो लहुम, मैंने इनके लिए मगफ़िरत कर दी, इनकी मगफ़िरत कर दी। वह बदल तो सैयाद हसनात, इनके गुनाहों को बदल दिया, सब कुछ मिटा दिया और इनके लिए मैंने हसनात ही हसनात। मेरे नबी ने फरमाया काल फ़यरजिउन मगफूर लहुम, ये फिर ईद नमाज पढ़ करके वापस होते हैं मगफूर लहुम, इनकी मगफ़िरत के फैसले हो चुके होते। काल फ़यरजिउन मगफूर लहुम, अल्लाह पाक मुझे और आपको इस जमात में शामिल कर दें। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया दूसरी रिवायत में फरमाया कि जो फरिश्ते आते हैं मगफ़िरत के फैसले आखिरी दिनों में होते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि सबके मगफ़िरत के फैसले कर दो लेकिन काफिर के नहीं, काफिर और मुशरिक के नहीं। और वो दो बंदे जो आपस में लड़ रहे हैं जिनकी शदीद आपस में दुश्मनियाँ हैं, मेरे पास अभी तकरीबन 1500 के लगभग उलमा ये 2 महीने कोर्स कर रहे थे, तो वनज़ाना माफ़ी सुदूर मिन गिल्लिन, जन्नतियों के दिल में कभी हसद नहीं होगा, बगुज़ नहीं होगा, साफ दिल उनके होंगे। तो मैंने 1500 उलमा से अर्ज़ किया, मैंने कहा कि एक आदमी कसम उठाए और खड़े हो जाए, न कभी किसी से बगुज़ रखा है, न इस वक्त है, न रखने का इरादा है, एक आदमी खड़े हो जाए मैं मौलवी मंजूर उसके जूते पालिश करूँगा, एक, और वह मौलवियों की जमात। और अब आपकी भी बड़ी तादाद है कि क्या कोई खुदा का बंदा इस तरह है, चाहे वो तबलीगी हो या वो मौलवी हो, कि न कभी किसी से बगुज़ रखा, न इस वक्त रख रहा हूँ, न रखने का इरादा है, एक आदमी खड़े हो जाए कसम उठाए। और सबसे पहले इस बगुज़ के अंदर, झगड़े के अंदर सबसे ज़्यादा मौलवी मुलव्वस है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी मौलवी को, बुज़ुर्ग साहब को आपको आज़माना है, तो उसका आसान तरीका ये है कि उसके मदरसे के करीब तुम मदरसे शुरू करो। वाह वाह, कितने बड़े आदमी है। फरमाया अगर किसी बड़े बुज़ुर्ग को आज़माना है ना तुम्हें, लोग कहते हैं हमारे इतने इतने बड़े नाम होते हैं ना, इश्तिहार में जगह भी नहीं, आरिफ बिल्ला, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, बुखारी, आज़ा ज़मान, गज़ाली, ज़ालिक ज़मान, अल्लाह अल्लाह, यही है वो जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज़ करती है मुसलमानी, इन्हीं को देख करके अल्लाह इंसान को याद आता है। ये लूसी जो होते हैं ना खतीब, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, झूठ भी बोलता है। फरमाए इस किस्म के अल्लाह वाले के मदरसे के करीब, इसके मदरसे के करीब तुम दो गलियों में कोई मदरसा खोलो, मदरसा खोलो, अगर इस मौलवी ने तुम पर कुफर का फतवा नहीं लगाया उस पर देख लेना, इसलिए कि इसके चंदे पे फर्क पड़ेगा, इसके चंदे पे फर्क पड़ेगा। और आप जब मस्जिद बनाएंगे उसके करीब, तो वो कहेगा कि ये मस्जिद ज़रार है, जैसे मुनाफिकी ने बनाया, नबी ने उसको गिराया, नबी को तो वही हो गई कि ये मुनाफिक है, फलाना मुनाफिक इसमें मुलव्वस है, इस मस्जिद को गिरा दो, साहबा ने गिरा दी। लेकिन इस मौलवी को कौन सी वही होती है। अब जो दूसरी मस्जिद जो बन गई, दो गलियों में, तीन गलियों में आपके करीब मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, तो वो तो चकला तो नहीं खुला है, और वो शराब खाना तो नहीं है, और वो चोरी खाना तो नहीं है, और वहाँ डाकू तो नहीं रहे, वो भी तो झूमेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, वहाँ भी बच्चे कुरान पढ़ेंगे, नाजरे पढ़ेंगे, हिफ्ज करेंगे। लेकिन मौलवी साहब तेरा रंग क्यों उतर गया, तेरे चेहरे पर 12-13 क्यों बज गए, तेरा मुँह क्यों काला हो गया, ये इस बात की दलील है कि ये मौलवी मुखलिस नहीं है। अगर ये अल्लाह के साथ मुखलिस होता और ये चाहता कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह के दीन आम हो जाए, तो वो खुश होता, वो कहते सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये अच्छी बात है भाई, वहाँ भी कुछ बच्चे पढ़ेंगे, और यहाँ भी मेरे यहाँ भी पढ़ रहे, उधर भी पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे। चुनाचे ये होता है, हमारे शागिर्द ने बताया कि किसी अल्लाह आपका भला करिए कि बड़े मौलवी के पास गया, उसने कहा कि इतना बड़ा इदारा हमारा है और इस इदारे में तुम लोग अंधे हो, बलोच लोग, पठान लोग इधर नहीं आते, इधर जगह नहीं है, तुम और मदरसे भी मदरसे बना रहे हो, मदरसे भी मदरसे बना रहे हो, मदरसे भी मदरसे बना रहे हो। तो वो भी मुंह फटता मेरे तरह, तो उस बुज़ुर्ग से कहा कि जो गली में, एक गली के अंदर 4-4, 5-5 स्कूल जो बने हुए, उसमें तो आपको इस तरीके पर एलर्जी नहीं हो जाती, लेकिन मदरसे जो बनाए इसमें आपको एलर्जी हो गई मौलवी साहब, यहाँ भी तो कुरान ही होगा, कुरान की तालीम भी होगी। है हदीस में आता है कि दो बंदों की मगफिरत नहीं होती, एक काफिर और मुशरिक, दूसरा दो बंदे आपस में उनकी ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती दुश्मनी, याद रख लेना। वरना सहाबा ने अल्लाह के दीन के सिलसिले में बाज़ लोगों से उन्होंने बाइकाट की है, वो दीनी मसले के तहत, दीनी मसले के तहत, शरी मसले के लिए, अलहुब्बु फिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत भी रख लेना, वल बुग़्ज़ फिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए नाराज़ भी होना, ये सहाबा में हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह वो मोहम्मद की जमात थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे नबी के शागिर थे, उनमें ये चीज़ नहीं थी, उनमें ये चीज़ नहीं थी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे ने कहा, उन्होंने कहा कि औरतें मस्जिद नबी में बाकायदा इंतज़ाम था, मस्जिद नबी में इंतज़ाम था, औरतें एक तरफ नमाज पढ़ती थी, मर्द दूसरी तरफ। अब भी अगर कहीं, जैसे कि हमारे इस गुलशन में मार में माशाल्लाह इंतज़ाम है बहुत सी मस्जिदों में, बिल्कुल औरतें जिस रूट से जिस रास्ते से आती है मर्दों की निगाह भी नहीं पड़ती, मर्दों की कोई नज़र नहीं पड़ती, आए नमाज पढ़े। ये एक तो अलग मसला कि हमारे मौलवियों ने सख्ती कर ली है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे ने, उन्होंने कहा कि अब्बा जी अब हम नहीं छोड़ेंगे औरतों को, औरतें मक्कारियाँ करती है। फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है। फरमाया औरतें मक्कारी करती है अब्बा जी? फरमाया अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है। फरमाया औरतें मक्कारी करती है, झूठ बोलती है, या शोहर को बताएंगे कि मस्जिद जा रही हूँ और निकलेगी किसी यार के साथ। लेकिन बहरहाल उनका ज़माना मेरे नबी की मेहनत थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसकी ऐसी सरजनिश की, फरमाया कि बेटा जब तक जिंदा निकल जा यहाँ से निकल जा, तेरी शक्ल मैं नहीं देखूँ, तू मेरी शक्ल भी नहीं देखना। उलमा ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, जो हज़रत उमर ख़त्ताब के बेटे थे, उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नबी ने यह फरमाया, तू अपनी अकल को चलाता है, तू कहता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है क्या चक्कर है? मैं काल रसूलुल्लाह पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया और तू कह रहा है कि नहीं, नबी के हुक्म के बिलमुकाबिल। सुभान अल्लाह, ये जो दुश्मनियाँ थी कि बेटे से बाइकाट कर रहा है अल्लाह के हुक्म के सिलसिले में। एक आदमी कह रहे, इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मेरे नबी काना युहिब्बुद्दुब्बा, आप लौकी को पसंद करते थे। एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा अना ला युहिब्बुद्दुब्बा, मुझे लौकी पसंद नहीं है, तुम्हारे नबी को कैसे पसंद था? तो कुत्ते का बच्चा तू न खा ना, तू न खा, लेकिन यह कि तू नबी की हदीस के मुकाबले में कह रहा मुझे लौकी पसंद नहीं है। तभी तौर पर अगर आपको पसंद नहीं है, इस तरह जबान से तू बगावत का ऐलान क्यों कर रहा है? खुली बगावत का क्यों ऐलान कर रहा है? इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस थे, हमारे तरह जस्टिसों की तरह तो नहीं थे कि अंग्रेज के गुलाम, टक्के की भी इख्तियार इनके पास नहीं होता। हमारे चीफ जस्टिस आखिर में हुक्म देता कि मस्जिद को गिराओ तो फिर उसको अमेरिका का टिकट मिल जाता है, लेकिन वहां यह नहीं था। वहाँ चीफ जस्टिस हारून रशीद खुद आलिम थे, सदर साहब आलिम थे, उनका ये चीफ जस्टिस था इमाम अबू यूसुफ। इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया, अय्युहल खबीस जद्दिद ईमानक व इल्ला लअसुल्लन सैफ व लअज़रिबन उनुकक, भाई अपने ईमान की तजदीद करो, कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वरना अल्लाह की कसम तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जाती दुश्मनी की बुनियाद पर अगर दो बंदे एक दूसरे से कटे हुए, आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हदीस में आता ला यहल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौक सलासिन फमन हजर अखाहु फौक सलासिन फमा तदखल अन्नार, दो मुसलमानों के लिए कतअन रवा नहीं है, कतअन रवा नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बाइकाट करे तीन दिन से जायद। सिंधी गुस्सा होता है एक दिन में ठंडा होता है, मुहाजिर गुस्सा होता है एक दिन में ठंडा होता है, और पंजाबी गुस्सा होता है एक दिन में उसको होश आता है, और पठान और बलोच ज़्यादा ज़्यादा अगर गुस्सा हो जाए तीन दिन में फिर भी इंसान बनते हैं, लेकिन तीन दिन तक इजाज़त दी है मेरे नबी ने। ये पठान की तबीयत का भी लिहाज किया है, बलोच की भी तबीयत का लिहाज किया है कि तीन दिन तक तू सोच कि तेरी दुश्मनी जाती है या अल्लाह के दीन के लिए है, तेरी दुश्मनी अल्लाह की रजा के लिए है या जाती तेरी दुश्मनी है, तीन दिन तक सोच। अगर दुश्मनी अल्लाह की रजा के लिए तो वो महीनों के महीने सालों के साल भी चल सकती है, उसमें मेरी गिरफ्त नहीं होगी, मैं आपको गिरफ्त नहीं, लेकिन अगर जाती दुश्मनी किसी की जात से जाती दुश्मनी है और आप अपनी ख्वाहिशात के पेशे नज़र किसी से बोझ रखते हैं, हसद रखते हैं, तो फरमाते कि फिर फमन हजरा खा फोक सरासिन, तीन दिन से जायद अगर कोई किसी को छोड़ देगा फमाता मरेगा दखल नार, सीधा जहन्नम में जाएगा। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है, रमज़ान के तीन दिन बाकी रह गए, पहली बात काफिर की मगफिरत नहीं होगी, और दूसरी किस्म मेरे नबी ने फरमाया कि जो जिनकी जाती दुश्मनी है, जिनकी जाती दुश्मनी है, जाती दुश्मनी के बुनियाद पर, जाती दुश्मनी के बुनियाद पर वो एक दूसरे से बाइकाट कर चुके हैं, फरमाया अल्लाह फरमाते इन पर जन्नम जन्नत हराम है, छोड़ो इनको, इनको उतरु का हुमाए, इनको छोड़ दो, उतरुको हुमाए, इनको छोड़ दो, हत्ता यस्तलिहा, यहां तक कि ये सुलह कर ले।
जब तक ये सुलह नहीं करेंगे, पठान का बच्चा, बलोच का बच्चा, सिंधी, कोई भी मुसलमान हो, अरब हो, अजम हो, जाती दुश्मनी में इन्होंने एक दूसरे से बाइकाट किया है, जब तक ये सुलह नहीं करेंगे रमज़ान की वजह से उनकी मगफिरत नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए साथियों से गुजारिश है, हमारे लिए भी दुआ फरमाएं, हमारे लिए भी दुआ फरमाएं, हमारे मौलवी भी आए है, 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 है। मैं चूंकि पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी, ये हमारी जमातें इतनी ज़्यादा, देवबंदी में 50 जमातें, बरेलवी में अलग, अहले हदीस में अलग हैं, जो इनसे पता करे कि जब आपका मकसद अल्लाह का दीन है तो ये इख्तलाफ क्यों है, और हमारे इस इख्तलाफ की सजा आप लोग भुगत रहे हैं। मैं कभी कभी साथियों से कहता हूं कि हम अपनी पगड़ी लेकर के इनके बड़े बड़े लीडरों के कदमों में जाकर के पढ़े कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कुछ खुदा का खौफ करो। तबलीगी जमात में जमातें बन गई, जमातें जमातें, एक तबलीगी का रुख इस तरफ है, दूसरे बुजुर्ग का उस तरह है, तीसरे का उस तरफ है, जमीयत उलमा इस्लाम में अलग, देवबंदियों में अलग, और अल्लाह आपका भला करिए है कि बरेलवी में अलग, अहले हदीस में अलग। खुदा की कसम ये इकट्ठे हो जाएं, ये मौलवी इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है। हम तो सिर्फ इनको यहाँ से बना बना करके, ये कि इस दफ़ा भी हमारे यहाँ 450 से ज़्यादा लड़के उलमा फारिग हो गए, मुफ्ती 22-23 मुफ्ती अलग, हाफिज हजरात अलग, फिर 1500 तो मैंने भी 1500 के लगभग जिनको मैंने तफसीर पढ़ाई वो अलग, हज़ारों उलमा हम तैयार करके भेजते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने उनको तकसीम किया है, किसी ने किस जमात में लगाया, किसी में किस में, और इंतखाबात में एक मौलवी को 20,000 वोट मिलेगा, दूसरे मौलवी को 20,000 मिलेगी, ये 40,000 वोट ये बेकार, पीपल पार्टी वाले को मिलेगा 21,000 वो कामयाब। ये मुसलमानों के वोट इन बदबख्तों ने तकसीम कर दिए, ये एक सीट पर नहीं है, ये 50-60 सीटों पर इस तरीके पर मौलवी एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए अर्ज कर रहा था कि मेरे रब फरमाते हैं कि जिन लोगों की जाती दुश्मनी है, ये तयशुदा है, अगर आप दीन के लिए तो फिर ये इख्तलाफ क्यों, ये इख्तलाफ क्यों मुसलमानों को उलझा करके आपने रखा हुआ है, वो तो और, इसलिए उसके अलावा हट करके और भी ये सियासी इख्तलाफात अब इस तक आ गए, ये चल चल कर करके मक्कार मक्कारी मक्कार मक्कारी मक्कार, और इन इख्तलाफात को लेकर के अब कल मस्जिद नबवी में ये चंद चोर हमारे गए उमरे कर रहे हैं, कि उमरे भी होते सियासी समझे, लेकिन उधर से पीटीआई वाले अल्लाह का भला करे मस्जिद नबवी के, मस्जिद नबवी का भी एहतराम, आपने देखा मस्जिद नबवी में 20 लाख का मजमा होता है, 30 लाख का मजमा होता है, किसी को जोर से तिलावत करने की भी इजाजत नहीं, औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। सारे मिलकर के इस तरह इजाजत नहीं, इमाम साहब को इजाजत होती है, आहिस्ते आहिस्ते लोग तिलावत करते हैं, दीनी बात दीनी नसीहत करते हैं, वो भी अदब के साथ, उसमें भी चीखना चिल्लाना नहीं होता, या दबा दबकर के गाली दे रहे मस्जिद नबवी में, सोना मोहम्मद आराम फरमा रहे, और ये हमारे पाकिस्तानी दल्ले, ये उसको कहता है तू दल्ला, वो कहते हैं तू दल्ला, तुम दोनों दल्ले हो कि मोहम्मद का एहतराम भी नहीं कर रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको अजीब बात बताऊं, कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तश्उरून। हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास सहाबी थे, गज़ब के फसीह थे, फसीह थे, आवाज़ उसकी ऊँची थी, जब ये आयत नाज़िल हो गई, ईमान वालों मोहम्मद का एहतराम करो, मेरे सोहणे के सामने अपनी आवाज़ें ऊंची न करो। वाह वाह मुसलमानों, अंदाज़ा लगाओ अपने नबी का कि क्या मोहतरम शख्सियत है। अबू बकर उमर को भी इजाज़त नहीं है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उमर इतनी जहवरी सोत थे, ऊंची आवाज़ थी, इस आयत के नाजिल होने के बाद उमर के साथ अगर मस्जिद नबवी में होते आप कान लगाते तो मुश्किल से उमर की बात आपको समझ में आती। अबू बकर की आवाज़ तो वैसे पस्त थी, अबू बकर की आवाज़ भी दब गई,
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جس کو نبی نے فرمایا یہ میرا خطیب ہے، خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کی طبعی طور پر، ویسے طبعی طور پر فطرتاً اس کی آواز اونچی تھی، فصیح تھے، بلیغ تھے، خطیب تھے، آواز اونچی تھی، جب یہ آیت نازل ہو گئی آواز اونچی نہ کرو، اس بات کا اندیش ہے تمہاری ساری محنتیں اعمال تمہارے اوپر پانی پھیر جائے گا، وضائع ہو جائیں گے۔ صحابی جا کر کے اپنے گھر کے کونے پر، اپنے گھر کے کونے پر جا کر کے سر پکڑ کر کے بیٹھ کے رو رہا ہے مستقل، میرے نبی نے کل فرمایا پرسوں کہ بھائی وہ ہمارا یار کدھر ہے، وہ میرا شاگرد میرا خطیب کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت وہ گھر پہ ہے۔ کہا کہ پتہ کیوں؟ پتہ چل گیا کہ اس کے بعد مستقل وہ رو رہا ہے وہاں پر کہ میں نے تو کئی دفعہ اپنی آوازیں اونچی کی ہے محمد کی آواز سے، کہیں اللہ نے میرے اعمال ضائع تو نہیں کر دیے۔ جا کر کے ان کو دیکھا گھر پہ، دیکھا کہ وہ گھر پہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ ارے بابا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس میں 26واں پارہ ہے کہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، میری آوازیں اونچی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے، شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں، نادانستگی میں نے نبی کے احترام نہ کیا، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ آ کر کے صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ شاگرد تیرا ادھر رو رہا ہے، شاگرد تیرا گھر پہ رو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جا کر کے اس کو بولو تو ان میں سے نہیں ہے، تیری مغفرت ہو چکی، آ میرے پاس آ جا۔ ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے ان آوازوں کو جو نبی کے احترام کو پامال کرے، نبی کی تقدس کو پامال کرے، ان شور، اس شور شغب کو بھی رب جانتا ہے اور اس شور شغب کو بھی جانتا ہے۔ گریہ زاری کر کے اگر کوئی مسجد نبوی میں رو رہا ہے اس کو اجازت ہے، وہ بے توہین نہیں کر رہا ہے، وہ تو بے ساختہ ہو کر کے غیر اختیاری طور پر وہ رو رہا ہے۔ پاکستان کی تم لوگ ترجمان ہو، تم لوگ ترجمان ہو، کاش کہ یہ عوام، یہ عوام مولی منظور کی بات نہیں مانتا، ورنہ میں کہتا اس قسم کی قومی اسمبلی، صوبے اسمبلی کے، چاہے کسی بھی پارٹی کے، اس طرح مسجد نبوی میں گھسیٹ گھسیٹ کر کے کتوں کو جوتوں سے مارو، یہی میرا فتویٰ ہے جی۔ اور سعودی حکومت نے اچھا کیا کہ پکڑا ان میں سے، اور 50,000 ریال ڈالر، 50,000 ڈالر یا ریال ان کو جرمانہ کر دیں، لیکن حرام خور ہے، ملک کے دولت کو لوٹ چکے ہیں، ان کے لیے 50,000 ریال یا 50,000 ڈالر کیا ہے، وہ تو دے دیں گے دو دن میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہو گیا، سر ہمارے شرم کے مارے جھکے ہوئے، گردنیں ہماری جھکی ہوئی ہیں، ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہم ملک میں کس طرح بدنام ہو گئے، کس طرح ہم بدنام ہو گئے، اس طریقے پر وہاں پر اللہ کا بولا کھینچا تانی کر رہے ہیں، اور وہ عورتیں بھی ہماری جو ہیں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، وہ بھی اس طریقے پر شور مچا رہی ہے ادھر سے۔ اس قسم کے بدماشوں کو، اس قسم کے بے دینوں کو، اس قسم کے نبی کے باغیوں کو، او ادھر فاصلے پر دو بندے باتیں کر رہے تھے، کچھ زور سے باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا علیہ بہما، ان کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دور تھے حضرت کے اس سے، مزار مبارک سے کچھ مسجد نبوی کے کنارے، ان سے باہر وہاں شور کر رہے تھے، فرمایا پکڑ کر کے لاؤ ان کو۔ فرمایا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں شرم نہیں آتی محمد رسول اللہ کے مزار کے قریب تم آوازیں اونچی کر رہے ہو؟ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ، تم باہر کے مسافر ہو اور تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں معذور سمجھتا ہوں، مسئلہ تمہیں معلوم نہیں، مسئلے سے جاہل ہو، لیکن اب مسئلہ بتا رہا ہوں۔ لیکن مدینہ والا جن کو مسائل معلوم ہے پھر بھی وہ مسئلے کو چیلنج کرے، نبی کے مزار کے سامنے اس طریقہ پر ہوئی ہے کہ وہ آواز اٹھائے، خدا کی قسم لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم اہل مدینہ ہوتے، مدینہ والے لوگ ہوتے، میں تمہاری کھال اتار دیتا۔ اس قسم کے لفنگوں کو، اس قسم کے بدبختوں کو آپ لوگ منتخب، بہرحال آپ کے توسط سے، اب تو مسئلہ یہ چونکہ عید کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کے توسط سے اس قسم کے لوگوں کی ہم ہر طرح سے مذمت کرتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور جب ادھر آ جائیں آپ کے سامنے آ جائیں، اس قسم کے قرآن اور حدیث کی توہین کرنے والے، جاؤ تم جہنم میں، ہمیں پتہ ہے تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، تم بھی جھوٹے ہو، ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مولوی بھی الگ الگ ہو گئے، کوئی سپاہ صاحب ہے، کوئی جمعیت ہے، کوئی فا گروپ ہے، کوئی سین گروپ ہے، کوئی عین گروپ ہے، کہیں نون گروپ ہے، کوئی لم گروپ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا گروپ ہے، کوئی تبلیغی گروپ ہے، ہم سارے میں اکٹھے ہو جائیں، اس قسم کے بے دین نہیں آئیں گے۔ لیکن اس مولوی کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ خلافت کو سنبھالے، یہ حکومت کو سنبھالے، یہ اللہ کا خلیفہ بن جائیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ اپنے اختلافات کو بھی ختم کر لیں ان دنوں میں، ساتھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں،
एक बात आपसे और भी है, ईद की नमाज़ हमारे यहाँ 7:30 बजे अदा की जाएगी। ईद की नमाज़ के लिए सवेरे आप हजरात ये कि तशरीफ़ लाएँ और सुबह फजर अपनी महल्ले के मस्जिद की नमाज़ भी पढ़ें, गुसल भी कर लें। और अल्लाह ने नए कपड़े दिए दिए हैं, नहीं दिए है तो आपके धुले हुए कपड़े हों, खुशबू लगा करके आप आ जाएँ। लेकिन यह है कि आने से पहले पहले आप 3 दाने खजूर या 5 या यह है कि 7 पर आप इफ्तार करें, और अगर खजूर नहीं किसी भी मीठी चीज़ से आप यह है कि इफ्तार करें, और अगर न कर सके आकर के ईद की नमाज़ में आप फारिग हो गए वापस यह है कि आप यह है कि चले गए तो तब भी जा कर के इफ्तार करें। पूरा दिन यह है कि भूखा न रहें, सख्त गुनाहगार होंगे। ये अल्लाह की ज़ियाफ़त के दिन है, बाकी ईद के मसाइल ईद के दिन इंशाल्लाह बयान होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके तवस्सुत से आप हजरात मेरे साथ मिल करके कहें, हम ऐसे लोगों को शेम शेम कहते हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की तौहीन की। आप इस पर आप शेम शेम करेंगे नहीं करेंगे? आप इस पर तैयार है नहीं है? चाहे वो जमीयत का हो या कोई पीपल पार्टी को है या मुस्लिम लीग, जूते का मुस्तहक है जो इस तरीके पर मोहम्मद रसूलल्लाह के मज़ार के सामने करते हैं, वो सबको पता है। आपके तवस्सुत से अपने इंतज़ामिया से भी अर्ज़ करूँगा, अपने इदारों से भी अर्ज़ करूँगा, इस किस्म के लोगों को जब यहाँ आएंगे इनको लगाम तो दे दें, और घसीट घसीट करके जो यहाँ हैं उनको मेरा रब आपसे राज़ी होगा। वाखिर दावाना।